नमस्कार मो लोपा मो चैनल कुकीज लोपा को आपण मानको स्वागत करुची। आज आम एगलेस स्पंज केक् बिना ओभन रे बनैबा। एहाको आम बहुत ही सिंपल सिंपल इनग्रीडियंट रे बनैबा। देखि पाउथिबे केक केते सॉफ्ट हेइची, स्पंजी हेइची, मॉइस्ट हेइची, आउ ई केक खाइया पई बहुत ही टेस्टी लागे। मोर एमतिका नुआ नुआ रेसीपी देखापी जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना गोटे थर पर चैनल को सब्सक्राइब करनी। चलतु ए बहुत गुड़े जरूरी टिप्स सहित यही केक् को बनवा। फास्ट रे एठी मु गोटे मोटा तसला नहीं जाइए। आपण मैंने तसला जगह मोटावाला आलुमिनियम कड़ई भी नहीं पारे कि ननस्टिक कड़ई नहीं पारे, किंतु केक् बनवाई स्टील कड़ई कि स्टील बासन किसी भी यूज करेनि। स्टील बासन यूज कले बासन तलपटू पोड़ जाए। तापर यही तसला भितर गोटे स्टाण्ड रखने समस्त पाखे एमतिका स्टाण्ड न थाई से एमतिका स्टाण्ड बदल गोटे स्टिल प्लेट भी नहीं पारे। एबे यही तसला भितर मुझ स्टिल प्लेट को एमतिका ओल्टे की रखि नौ। स्टिल प्लेट कि स्टाण्ड रखा निहाती जरूरी। तसला आउ केक्टिन मझे गैप रहा निहाती दरकार, नचे केक् बनैला बेले केक् तलपटू पोड़ एवं तसला को पूरा फिट है गोटे घोड़ी को घोड़े ने। जदि आप कड़ई में भी केक् बनाऊँ कड़ई को पूरा भल भाव सेट है घोड़ी ने, नचे आपणकर केक् भल से फुलबनी। तापर यही तसला को पूरा लो फ्लेम 10 रु 15 मिनट प्रीहीट करने से टाइम भितर आम केक् बैटर को प्रस्तुत करने। फास्ट में गोटे मेजरिंग कप्रे हाफ कप मान 100 ग्राम चीनी दूची। आपण मैंने हाफ कप चीनी जगह गोटे कप चीनी पाउडर भी नहीं पारे। नेक्स्ट वन फोर्थ कप मान 50 ml तेल दूची। एपण मैंने बिना फ्लेवर वाला ऑयल यूज करेंगे, जमीका कि सनफ्लावर ऑयल कि राइस ब्रांड ऑयल कि रिफाइन ऑयल कि बटर को मेल्ट करके भी यूज करें। हाफ कप फ्रेश दही दूची। जदि आपण बिना अंडा रे केक् बनाऊँ दही ए निश्चय ऐड करेंगे। दही देवा द्वारा केक् बहुत ही सॉफ्ट होता है, सहित मॉइस्ट भी होता है। जदि आपण बिना दही रे केक् बनाऊँ केक् खाइला बेले पाटी को बहुत ड्राई लगी थाई। तापर यह गोटे ह्विस्क साहाज्य भल भाव फेंटी ने। जदि आप ह्विस्क ना गोटे कंटा चामच भी फेंटी पारे कि ग्राइंडर भी चल फेंटी पारे। दही को जी भल भाव फेंटा केक् भी आम से भल सॉफ्ट बनबो। 3-4 मिनिट भल भाव फेंटा जमीक चीनी पूरा भल भाव दही में मेल्ट हो। जदि आप चीनी पाउडर यूज करते बहुत शीघ्र दही में मेल्ट हो जाए। एवं आमर दही चीनी तेल भल भाव फेंटी हो जाए, चीनी पूरा भल भाव मिशि जाइए, आउ दही पूरा स्मूथ हो। एड करने फ्लेवर पर एसेन्स मुझे यही वेनिला एसेन्स आड करुच्ची। मु हाफ चामच एसेन्स पकाउची। आपण मैंने वेनिला एसेन्स जगह जेकोसी फ्लेवर भी एसेन्स आड करें कि आपण मैंने हाफ चामच अलैच पाउडर भी आड करें। अलैच पाउडर भी केक् टेस्ट बहुत ही भल आसी था। यह भल भाव मिसई ने। तापर एम गोटे छणा नहीं मेजरिंग कप्रे गोटे कप मान 200 ग्राम मैदा दूची। आपण मैंने मैदा जगह गहम अटा भी नहीं पारे कि 50% मैदा आउ 50% अटा भी नहीं पारे। तापर एम गोटे छोट चामच बेकिंग पाउडर आउ अधा छोट चामच बेकिंग सोडा दूची। केक् आम बहुत भल से फुली थाई। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जगह आपण मैंने इनो भी यूज करेंगे। जदि इनो यूज करते पूरा लास्ट में मानते बैटर को पूरा बन सर एड करेंगे। तापर यह आम छाणी नेबा। एथिरे जहाँ भी ड्राई इनग्रीडियंट नौचंदे छाणीबा बहुत ही जरूरी। कौन पाइना एथिरे एरिएशन आसी जाय थाई जेउथिपई कि केक् बहुत ही भल से फुली थाई। मैदा को छाणी सारे पर यह मिक्स करवा। आपण मैंने जदि केक् को अधिक रिच करने चाहते एथिरे हाफ कप मिल्क पाउडर आड करें कि हाफ कप कंडेन्स मिल्क भी आड करें। तापर एमें किसी क्षीर आड करवा। एम बड़ चामच 3 चामच क्षीर दूची। 3 चामच रु अधिक देवानी क्षीर। ये आम पूरा नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही अच्छी, जमा भी गरम नुह कि पूरा थंडा भी नुह। केक् जहाँ भी इनग्रीडियंट यूज करेंगे पूरा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होगा दरकार। यही बैटर को आम एमतिका गोटे डायरेक्शन में कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करवा। एमतिका कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स कले बैटर लम्स पड़बनी, आउ ता सहित जो एरिएशन डेवलप होती पूरा को पूरा रहा। ओवर मिक्स भी करवानी माने बेसी भी मिसेबानी, केवल लम्स पूरा मिसी पर्यंत कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करवा। यही बैटर कनसीस्टेन्सी को आम एमतिका ही रखा। ऊपर जदि आम यहाँ पकईवा तेल रिबन परिका पड़बार अच्छी। देखि पाथे मोर ये केमतिका कनसीस्टेन्सी अच्छी, बेसी मोटा नुह कि बेसी पतला भी नुह। एवं आम केक् बनवाई बैटर रेडी। तापर आम केक्टिन को रेडी करवा।
एथिरे मु गोटे कैक्टिन नहीं ची ए कैक्टिन प्राय समस्त पाखे न थाई जदि आपण कैक्टिन नाही ताहले एमती गोटे आलुमिनियम तो भी बासन नहीं पारे आज मुझे ये ही केक् को बनईबी कैक्टिन जगह आपको आलुमिनियम बासन यूज करेंगे कि स्टिल बासन जमा भी यूज करेंगे स्टिल बासन में केक् बनैले केक् तलपट पोड़ तापर ए गोटे चामच तेल लगे दूची बासन चारिपटे भल भाव तेल लगेदे से गोटे चामच मैदा छिंची दूची मैदा को चारिपटे स्प्रेड करदे जदि आपण बटर पेपर अच्छी मैदा न छिंची बटर पेपर भी यूज करेंगे तापर ए बन रखी बैटर को देदे बैटर को दे सारे यही बासन को एमती का टे हल टैप करदे जदि किसी गैप तो होती से भल भाव सेट हो तसला भी ये पूरा प्रिहीट हो पूरा भल भाव बासन टी गरम होते केयरफुली बैटर दे बासन को रखने तसला ये बहुत ही गरम थाए से केयरफुली ही रखे एवं आम घोड़ी को कभर करके पूरा लो फ्लेम 45 मिनिट रु 50 मिनिट पर्यंत कुक होगापी छाड़दे आपण मैंने जो भी केक् रेसीपी फॉलो करूँ तार टाइमिंग को भी पूरा फॉलो करूँ केक् को आपण मैंने के 40 मिनिट पर्यंत कभर खोलिकी चेक करें 40 मिनिट पर मु कभर खोलिकी चेक कर नौची केक् इटे हमरा पूरा कुक हैनी भलसे सीझीनी यहाँ को 10 मिनिट पर कुक होगापी छाड़दे 10 मिनिट पर ढाकुणी को खोलिकी चेक कर नौची मु गोटे छुरी को पसईकी चेक करूँ छुरी एठी पूरा क्लीन होके आसी तमें केक् आम पूरा भल भाव बेक होतर जमा भी कंचा नाई केक् पूरा परफेक्टली कुक होगापी मत लो फ्लेम 50 मिनिट दरकार है एबे केक् को बाहर करके पूरा थंडा होगापी छाड़दे अधा घंटा पर केक् ये पूरा थंडा हो गोटे छुरी को पसईकी सैड सैड रु छड़ी लुज करने सैड सैड छड़े सारे जाकि गोटे प्लेट रखिकी ओल्टई ने केक् जदि टिके भी गरम थी आउ बासन भितर बाहर करने चेष्टा करेंगे से भांगी जीव देखी पाथे एवं आम बहुत ही सहजरे केक् बाहरी जाइए मुझे केक् को आपण पाखर देखा केक् ये पूरा सॉफ्ट आउ स्पंजी अच्छी केक् र कलर बहुत ही सुंदर आसी मुझे केक् को गोटे पीस काटिकी देखा देखि पाथे केक् ये आम के सॉफ्ट होती स्पंजी होती मॉइस्ट होती भितर पूरा परफेक्टली कुक होती आउ केक् खायापी बहुत ही टेस्टी लगी थाई बहुत ही कम खर्च में सिंपल सिंपल इनग्रीडियंट केक् रेडी आपण मैंने निश्चय यहाँ थे ट्राए करूँ बहुत गुड़े टीप्स ये मुझे सेयार करी जदि ये केक् बनवा प्रोसेस आपको भल लगी था लाइक करूँ कमेंट करूँ जब सब्सक्राइब करना तेल गोटे थर पर सब्सक्राइब करनी पाखे थे बेल आइकन क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करूँ तेल एमती का मोदी नुआ नुआ रेसीपी नोटिफिकेशन पाइपे पुणी मुझे गोटे नुआ वीडियो नुआ रेसीपी से पर्यटन रोचे नमस्कार।